नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दीपावली पर धन पाने के सरल उपाय के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दीपावली हिंदुओं का सबसे प्रमुख पर्व, पांच पर्वों का महापर्व है। इन दिनों में कुछ बातों को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण सुझावों का पालन करके शक्ति समृद्धि के इन दिनों का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली पर धन पाने के सरल उपाय। दीपावली के इन पांचों पर्वों में कुछ खास बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। इन दिनों घर में किसी भी प्रकार की कलह न हो, सभी लोग एक दूसरे को सम्मान देते हुए मिलजुल कर प्रसन्नता से रहे। प्रत्येक दिन घर की स्त्रियां घर में कुछ न कुछ नया पकवान जरूर बनाएं और उसे सर्वप्रथम घर के पूजा स्थल में भगवान को भोग लगाकर ही घर के बाकी सदस्य उसको ग्रहण करें। इन पांच दिनों में यह कोशिश करें कि घर का कोई भी सदस्य किसी भी दशा में मांस मदिरा या अन्य किसी भी किस्म के नशे का सेवन न करें। गृह स्वामी घर के सभी सदस्यों को अपनी सामर्थ्यानुसार कोई न कोई उपहार अवश्य ही दें। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को पूर्ण आदर देते हुए उनका आशीर्वाद जरूर लें। संध्या के समय घर का कोई भी सदस्य किसी भी दशा में गंभीर रोगियों को छोड़कर बिस्तर पर न रहे। जिन लोगों को धन की बहुत आवश्यकता हो, जिन पर पूरे घर की जिम्मेदारी हो, उन्हें रात में जागकर लक्ष्मी की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को कुछ भी उधार नहीं दें और ना ही किसी से उधार मांगे। उधार देने से धन की हानि होती है और वर्ष भर धन की दिक्कत होगी, और उधार लेने से हमेशा ही मांगते रहेंगे, खुद की आय पर्याप्त नहीं होगी, तो दोनों ही स्थितियों से अवश्य ही बचना चाहिए। पूजन के समय गृह स्वामी हल्के पीले, स्त्री लाल या पीली साड़ी और घर के बाकी सदस्य भी हल्के कपड़े पहनकर ही पूजा में बैठे। लक्ष्मी पूजन में शुद्ध चांदी की बनी कोई भी वस्तु रखकर ही पूजन करें, नहीं तो लक्ष्मी गणेश के अंकित चांदी के सिक्के ही पूजा में रखें। लक्ष्मी पूजन में चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। इस दिन लक्ष्मी जी पर खीर चढ़ानी चाहिए। चावल को श्री यंत्र, दक्षिणवर्ती आदि यंत्रों के नीचे में प्रयोग कर सकते हैं। दीपावली पूजन में जहां तक संभव हो श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र, श्री यंत्र दक्षिणवर्ती शंख, श्री कुबेर यंत्र, बीसा यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, नवग्रह यंत्र आदि यंत्रों की पूजा करके उन्हें अपने घर के मंदिर में अवश्य ही स्थापित करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूले, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल डंके की चोट पे को सब्सक्राइब करना ना भूले।